नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है बिग बैश लीग के नॉकआउट मैच का जो खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में, एंड ये गेम होगा पर्थ स्टेडियम पर्थ में। अगर मैं बात करूँ स्कॉचर्स की तो ग्रुप स्टेज में थर्ड पे फिनिश किया इन्होंने, 3 हारी और 1 हारा नो रिजल्ट में। वहीं स्ट्राइकर्स की अगर बात करें तो फोर्थ पे फिनिश किया, 5 गेम्स जीती 4 हारी और 1 हारा नो रिजल्ट में। अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो 24 गेम्स खेले हैं अभी तक, जिसमें स्कॉचर्स ने 13 जीते हैं, स्ट्राइकर्स ने 11 जीते हैं। और अगर इस सीजन की बात करी जाए तो 2 गेम्स खेले आपस में, 1 स्ट्राइकर्स जीत कर आ रही है और 1 जीती है स्कॉचर्स ने। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। देखते दोस्तों प्रॉबेबल 11, क्योंकि अगेन स्क्वाड्स में चेंजेस हैं, काफी प्लेयर्स चले गए हैं आईएल टी20 खेलने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं पर्थ स्कॉचर्स के प्रॉबेबल 11 की बात करूं तो खेलते हुए देख लीजिए, स्टीफन एस्केनाजी, लैम व्हाइटमैन, एरन हार्डी इनके कैप्टन, जॉश इंग्लिस इनके विकेट कीपर, मार्कस हैरिस, कूपर कॉनली, निक हॉपसन, एश्टन अगर, एंड्रयू टाय, जेसन मेरेंडॉफ और लैंस मॉरिस। अगर एडिलेड स्ट्राइकर्स के प्रॉबेबल 11 की बात की जाए तो खेलते हुए देख लीजिए, मैट शॉट इनके कैप्टन और डार्सी शॉट, फिर जेक वेदरल्ट, थॉमस कैरी, जेम्स बैजले, हैरी नीलसन इनके विकेट कीपर, वेस अगर, हेनरी थॉर्टन, डेविड पेन, कैमरन बॉयस और लॉयड पोप। बात करते हैं वेन्यू की दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया ये गेम खेला जाएगा पर्थ स्टेडियम पर्थ में, जहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 181 रन का लास्ट 5 मैचेस में जो इस सीजन में हुए हैं। यहाँ पे बैट फर्स्ट का डोमिनेंस रहा है लास्ट 5 में से 3 बारी जब टीम ने पहले बैटिंग करी है तो वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूँ इन लास्ट 5 गेम्स में जो कि इसी सीजन में हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेसर्स ने अराउंड 76% ऑफ द विकेट्स डाली हैं, वहीं 24% ऑफ द विकेट्स स्पिनर्स ने डाली है, बट पेसर्स ने 90% विकेट्स निकाली हैं, स्पिनर्स केवल 10% विकेट ही निकाल पाए हैं। तो अगेन पेस फ्रेंडली कंडीशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड इन बीबीएल की इस सीजन में, तो पहले देखते हैं पर्थ स्कॉचर्स के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे एरन हार्डी ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 41 की एवरेज से 328 रन बना चुके हैं 10 इनिंग्स में, 2 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। बात करें जॉश इंग्लिस की तो उन्होंने भी ऑलमोस्ट 38 की एवरेज से बनाए हैं, 226 रन 9 इनिंग्स में, 1 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है इस सीजन में। कूपर कॉनली ने 150 रन बनाए हैं 9 इनिंग्स में, एंड नीचे अगर आप देखोगे निक हॉपसन 57 की एवरेज से 57 रन बना चुके हैं 3 इनिंग्स में। पर्थ स्कॉचर्स के बॉलर्स में जेसन मेरेंडॉफ हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 15 विकेट्स निकाल चुके हैं इस सीजन में 8 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट रहा है काफी ब्रिलियंट 11.6 का। लैंस मॉरिस ने भी 12.5 की स्ट्राइक रेट से निकाली है 13 विकेट्स 8 इनिंग्स में। एंड्रयू टाय 11 विकेट्स निकाल चुके हैं 8 इनिंग्स में। एश्टन अगर ने 6 विकेट्स निकाली हैं, एंड अगर आप लास्ट में देखोगे कूपर कॉनली 5 इनिंग्स में केवल 8 ओवर्स डाले हैं बट 4 विकेट्स निकाली हैं ब्रिलियंट 12 की स्ट्राइक रेट से। एडिलेड स्ट्राइकर्स के बैटर्स में मैट शॉट ने बहुत ही बेहतरीन खेला है सीजन में, 72.7 ऑलमोस्ट 73 की एवरेज से 500 से ऊपर रन बना चुके हैं 9 इनिंग्स में, 6 बारी हाफ सेंचुरी इसमें लगा चुके हैं। डार्सी शॉट की बात करूं तो इन्होंने 231 रन बनाए हैं 9 इनिंग्स में। जेक वेदरल्ट 46 की एवरेज से 138 रन बना चुके हैं 5 इनिंग्स में। थॉमस कैली ने भी 44 की एवरेज से 44 रन बनाए हैं 2 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स में कैमरन बॉयस ने 9 विकेट्स निकाली हैं अलॉन्ग विद डेविड पेन। डेविड पेन का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा है 17.8 का। लॉयड पोप 7 विकेट्स निकाल चुके हैं केवल 4 गेम्स में, अगेन ब्रिलियंट 11 की स्ट्राइक रेट से। हेनरी थॉर्टन ने 5 विकेट्स निकाली हैं 5 इनिंग्स में। मैट शॉट भी 4 विकेट्स निकाल चुके हैं 8 इनिंग्स में। अब बनाते हैं दोस्तों अपनी बेस टीम जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर। जैसे मैं आपको बताती आई हूँ, फैंटेसी अखाड़ा पर आपके पास मौका है एक फोन जीतने का हर एक बिग बैश के मैच में। अगर आप बिग बैश के मेगा कॉन्टेस्ट में फैंटेसी अखाड़ा पर 20 या उससे ऊपर टीम्स बनाते हो तो आप वो एक लकी विनर हो सकते हो जो एक फोन जीत सकता है हर एक मेगा कॉन्टेस्ट में, वो बिग बैश लीग। गेम्स केवल 3 ही बचे हैं, अभी भी आपके पास मौका है, जल्दी से कर लो फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड। लिंक आपको मिल जाएगा पिन कॉमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, एंड आप ऐप स्टोर पर जाकर सर्च भी कर सकते हो। एंड इस ऑफर के अलावा अगर आप हमारा रेफरल कोड व्यू स्पोर्ट यूज करोगे तो आपको वहाँ पे और भी ऑफर्स मिल सकते हैं। और फोन वाले ऑफर के साथ साथ फैंटेसी अखाड़े पर चल रहा है फ्री गिव अवे बिग बैश के। अब जितने भी मैचेस बचे हैं सब में ही होगा ये फ्री गिव अवे, जहाँ पे आपको इस कॉन्टेस्ट में 2 टीम्स लगानी है एंड आप जीत सकते हो 25,000 तक के पैसे, यानी कि एंट्री फी कोई भी नहीं रहेगी बट आपके पास जीतने का मौका है बहुत बड़ा। तो एक और इंसेंटिव हो जाता है फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड करने का, तो जल्दी से कर लेना डाउनलोड। अब बनाएंगे दोस्तों अपनी बेस टीम, तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं जॉश इंग्लिस पर्थ स्कॉचर्स के। काफ़ी रन्स बनाए हैं इस सीजन में 20s एंड 30s में, एंड आपको फैंटेसी पॉइंट्स भी देंगे विकेट कीपिंग के। इसके अलावा अगर मैं इनके नॉकआउट्स का रिकॉर्ड की बात करूँ तो 6 बारी नॉकआउट्स खेले हैं ये, एंड जिसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 42 की एवरेज से बनाए हैं 209 रन्स, एंड 2 बारी हाफ सेंचुरी भी नॉकआउट्स में लगा चुके, तो नॉकआउट्स का रिजल्ट इनका काफ़ी अच्छा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो वो भी अच्छा है, बैट फर्स्ट 40 की एवरेज से 120 रन बना चुके हैं, बैट सेकंड भी ऑलमोस्ट 36 की एवरेज से 178 रन बना चुके हैं।
बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, पहली पे गुजरती है एडलेड स्ट्राइकर्स के जेक वेदरल, नंबर 3 पे बैटिंग करने आ रहे हैं जब से क्रिस लिन इंजर हुए हैं एंड सॉलिड टच में दिखे हैं लास्ट 2 गेम्स में, 47 नॉट आउट बनाया लास्ट गेम में एंड उससे पहले वाले में 80 नॉट आउट बनाकर आ रहे हैं। अगर मैं इनके नॉकआउट के स्टैट्स की बात करूं तो 4 बार ही खेले हैं नॉकआउट्स में, 158 रन बनाए हैं 40 की एवरेज से, तो इनके भी नॉकआउट के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट काफ़ी अच्छा है, 34 की एवरेज से 239 रन बना चुके हैं 7 इनिंग्स में, 2 बार ही हाफ सेंचुरी बैटिंग फर्स्ट ही लगा चुके हैं। एंड अब क्योंकि एडम होस चले गए हैं इनकी टीम से तो इनके ऊपर और मैच शॉट के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है रन बनाने की। चलते दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पे पहली पिक हो जाती है पर्थ स्क्वॉचेस के कैप्टन एरन हार्डी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए इस सीजन में, लास्ट गेम में भी 32 रन बनाकर आ रहे हैं, इनफैक्ट 2 विकेट्स भी निकाल कर आ रहे हैं एंड रिवर्स फिक्सचर में भी दोनों गेम्स में 30 और रन इन्होंने बनाए हैं। एंड जब से रिचर्डसन इंजर हुए हैं हमने देखा है कि अपने फुल कोट ऑफ ओवर्स भी डाल रहे हैं, नॉकआउट्स में भी 5 बारी खेले हैं 5 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं एंड वेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो अगेन वो भी ब्रिलियंट है, बैटिंग सेकंड ऑलमोस्ट 60 की एवरेज से बना चुके हैं 297 रन, क्लोज टू 300 रन इस वेन्यू पे बना चुके हैं बैट सेकंड करते हुए, बैट फर्स्ट करते हुए भी 241 रन बना चुके हैं, टोटल 5 बारी हाफ सेंचुरी पर्थ में ऑलरेडी ये लगा चुके हैं। तो नंबर 3 जैसी क्रूशियल पोजीशन पे बैटिंग करेंगे, आपको फुल कोट ऑफ ओवर्स भी देंगे, वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो काफ़ी सेफ कैप्टनसी पिक बन जाएंगे इस गेम में, बट थोड़ा सा थ्रेट इन्हें जरूर है। यहाँ पे आप देख सकते हो उनका मैचअप वर्सेस बोलर टाइप, तो लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट 15 इनिंग्स में से 6 बारी आउट हुए हैं और लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट भी 12 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हुए हैं, तो कैमरन बॉयस और लॉयड पोप इन्हें लेग स्पिनर वाले डिपार्टमेंट में थोड़ा परेशान करते हुए देख सकते हैं एंड उधर लेफ्ट आर्म पेसर में उनको डेविड पेन थोड़ा सा पोटेंशियल थ्रेट रह सकते हैं। अगले पिक हो जाएगी पर्थ स्क्वॉचेस से एश्टन अगार, इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बोलर, रिवर्स फिक्सचर में विकेट नहीं निकाली है बट रिसेंटली काफ़ी अच्छी फॉर्म में रहे हैं, 5 विकेट्स निकाल कर आ रहे हैं पिछले 4 गेम्स में, नॉकआउट्स में भी 4 इनिंग्स खेली हैं 4 विकेट्स निकाली हैं एंड इनका अच्छा रोल हो सकता है मिडिल ओवर्स में यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा है एडलेड स्ट्राइकर्स का जो बैटिंग लाइनअप है काफ़ी इनएक्सपीरियंसड है एंड अगार इस गेम में डेफिनेटली दिख सकते हैं, अच्छी डिफरेंशियल पिक बन जाएंगे इस मैच में। तीसरे होंगे मैच शॉट, अगेन जो डिफॉल्ट पिक है ऑलराउंडर सेक्शन में, लीडिंग रन गेटर है बीबीएल में इस सीजन में एंड अपनी टीम के लिए ऑफकोर्स हैं, रिवर्स फिक्सचर्स में दोनों में ही 70s में पारी खेलकर आ रहे हैं, लास्ट गेम में भी अनबीटन 74 की पारी खेलकर आ रहे हैं। इनके अगर मैं नॉकआउट्स के स्टैट्स की बात करूं तो 4 बारी खेले हैं 134 रन बनाए हैं 34 की एवरेज से इन्होंने, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो बैट सेकंड काफ़ी अच्छा है, 5 इनिंग्स में 249 रन बना चुके हैं 62 की एवरेज से एंड 3 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है, तीनों ही बैट सेकंड आई है। अगर मैं इनका मैचअप देखूं वर्सेस स्क्वॉचर्स बोलर्स तो आप यहाँ देख सकते हो जेसन भेरनडॉर्फ ने तो एक बार भी इनकी विकेट नहीं निकाली है, बाकी सब ने भी केवल एक एक बारी विकेट निकाली है, तो पर्थ स्क्वॉचर्स का जो इतना अच्छा बॉलिंग लाइनअप है उनको भी अच्छे से खेलना जानते हैं मैच शॉट, अगेन सेफेस्ट कैप्टनसी पिक फॉर दिस गेम। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, पहली पिक हो जाएगी जेसन भेरनडॉर्फ, इनके लेफ्ट आर्म पेसर पर्थ स्क्वॉचर्स से, टीम के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, टूर्नामेंट में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, 15 विकेट्स निकाल चुके हैं, लास्ट गेम में भी 3/4 लेकर आ रहे हैं सिक्सेस के अगेंस्ट एंड जिसमें 2 उन्होंने विकेट्स ली थी डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए। इनका अगर मैं नॉकआउट का रिकॉर्ड की बात करूं तो 13 बारी खेले हैं नॉकआउट्स जिसमें 17 विकेट्स इन्होंने निकाली है, तो नॉकआउट्स के रिकॉर्ड्स भी काफ़ी बढ़िया है इनके, वेन्यू रिकॉर्ड की बात करी जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, बॉलिंग फर्स्ट 10 इनिंग में 16 विकेट निकाल चुके हैं, बॉलिंग सेकंड भी 16 विकेट निकाल चुके हैं, स्ट्राइक रेट भी ब्रिलियंट रहा है। एंड इनका अगर मैं मैचअप वर्सेस स्ट्राइकर बैटर्स की बात करूं तो डार्सी शॉट को और जेक वेदरल को दोनों को 2-2 बारी आउट भी इन्होंने किया है, अगेन एक काफ़ी मस्ट हैव पिक हो जाते हैं बॉलर सेक्शन में। दूसरा हम लेकर जाएंगे एंड्रयू डाय, अगेन पर्थ स्क्वॉचर्स के राइट आर्म पेसर हैं एंड बीबीएल के लेजेंड माने जाते हैं, लास्ट गेम में जरूर विकेटलेस रहे पर उससे पहले 4 विकेट हॉल लिया था इन्होंने हीट के अगेंस्ट, इनके अगर नॉकआउट के रिकॉर्ड्स की बात करें तो 10 बारी नॉकआउट्स खेले हैं पर्थ स्क्वॉचर्स के साथ जिसमें 16 विकेट्स निकाली हैं, अगेन अ ब्रिलियंट नॉकआउट रिकॉर्ड। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो वो भी एक्सेप्शनल है, बॉलिंग फर्स्ट 11 इनिंग्स में 19 विकेट्स निकाल चुके हैं, बॉलिंग सेकंड भी 15 इनिंग्स में 25 विकेट्स निकाल चुके हैं एंड इनका मैचअप वर्सेस डार्सी शॉट की बात करूं तो उन्हें 2 बारी आउट किया है 8 इनिंग्स में, अगेन मस्ट हैव पिक हो जाते हैं बॉलिंग सेक्शन। तीसरे होंगे लैंस मॉरिस, अगेन पर्थ स्क्वॉचर्स के ही राइट आर्म क्विक बॉलर, हाल ही में 3/4 लेकर आ रहे हैं ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट एंड अगर मैं इनके रिवर्स फिक्सचर्स की बात करूं तो पहले रिवर्स फिक्सचर में इन्होंने 5/4 निकाला था और दूसरे गेम में 1 विकेट ली थी, तो ऑलरेडी 5 विकेट हॉल भी ले चुके हैं एडेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट इस सीजन में। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अगेन इनका भी अच्छा है, स्पेशली बॉलिंग सेकंड 4 इनिंग्स में 10 विकेट्स निकाली हैं, बॉलिंग फर्स्ट भी 5 विकेट्स निकाल चुके हैं एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो वो भी ब्रिलियंट है, बॉलिंग सेकंड 3 इनिंग्स में 6 विकेट्स निकाली हैं, बॉलिंग फर्स्ट भी 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स निकाल चुके हैं। लास्ट बॉलर जो हम यहाँ लेके जाएंगे वो होंगे एडलेड स्ट्राइकर्स के हेनरी थॉर्टन, इनके राइट आर्म पेसर, डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है सो फार इस सीजन में एंड ये पिच हमने देखा है कि पेस एंड बाउंस के लिए जानी जाती है, यहाँ पे ये अच्छा बाउंस जनरेट करते हुए दिख सकते हैं आपको एंड मोर ओवर अगर आप देखोगे पर्थ स्क्वॉचर्स के ओपनर्स एस्कनाजी और व्हाइटमैन दोनों ने ही स्ट्रगल किया है इस सीजन में, तो हेनरी थॉर्टन डेफिनेटली अमंग द विकेट्स आपको दिख सकते हैं, 3 विकेट्स भी निकाल चुके हैं दोनों रिवर्स फिक्सचर्स में इस सीजन में। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो टोटल 7 विकेट्स निकाली हैं 4 इनिंग्स में, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इनका अच्छा है।
तो दोस्तों ये बनेगी हमारी बेस टीम, जहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे जॉश इंग्लिस को, बैटिंग सेक्शन में फिलहाल केवल जेक वेदरल्ड को, ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूँ तो मैट शॉट, एरन हार्डी और हम लेके जाएंगे एश्टन अगार को, बोलिंग सेक्शन की बात करते हैं तो जेसन बेरेंडॉफ, एंड्रयू टाय, लैंस मॉरिस और हम लेके जाएंगे साथ साथ हेनरी थॉर्नटन को। अब दोस्तों बनाते हैं अपनी सिनेरियो वाइज टीम। तो पहली सिनेरियो हमारी होगी जब स्ट्राइकर्स पहले बोलिंग कर रही है 10-1 फॉर्मेट में, तो यहाँ पे हमारा विकेट कीपिंग सेक्शन बैटिंग सेक्शन सेम रहेगा, ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे डार्सी शॉट को भी लेकर जाना चाहेंगे व्हेन ही इज बोलिंग फर्स्ट। इस वेन्यू पे काफ़ी पसंद करते हैं बैटिंग करना, अगर आप यहाँ देखोगे तो बैट फर्स्ट इन्होंने 87.5 की एवरेज से 175 रन बनाए हैं केवल 3 इनिंग्स में, बैटिंग फर्स्ट एक सेंचुरी भी इस ग्राउंड पे लगा चुके हैं। इसके अलावा अगर इनके नॉकआउट के स्टैट्स की बात करें तो 3 इनिंग्स में यहाँ पे 54 की एवरेज से 163 रन भी इन्होंने बनाए हैं नॉकआउट्स में, तो नॉकआउट जैसे बड़े गेम्स में भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करना ये जानते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी ब्रिलियंट है, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट अगेन 51.4 की एवरेज से 257 रन बनाए हैं 6 इनिंग्स में, एक सेंचुरी हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी लगा चुके हैं और एक हाफ सेंचुरी भी लगा चुके हैं। इसके अलावा बॉलिंग से भी पोटेंशियल है इनका, इन प्लस ओपन करते हुए तो आपको ये दिखेंगे ही मैट शॉट के साथ। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे लेके जाना चाहेंगे एडलेड स्ट्राइकर्स के डेविड पेन को, उनके लेफ्ट आर्म पेसर अगेन आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे एंड इस ग्राउंड पे जहाँ पे लॉन्ग बाउंड्रीज होती है वहाँ पे ये अमंग्स द विकेट्स दिख सकते हैं। अगर इनके मैं रिवर्स फिक्स्चर्स की बात करूँ तो 2 विकेट्स इन्होंने निकाली थी एंड अगर मैं इनके नॉकआउट के स्टैट्स की बात करूँ तो 2 बारी ही खेले हैं नॉकआउट मैचेस जिसमें 4 विकेट्स निकाल कर आ रहे हैं। परफॉर्मेंस बाय फेस की बात की जाए इस सीजन में तो यहाँ आप देखोगे डेथ में ब्रिलियंट बॉलिंग करी है इन्होंने, 7 इनिंग्स में 7 विकेट्स निकाली हैं केवल 9 की स्ट्राइक रेट थे, तो बॉलिंग फर्स्ट एक बहुत अच्छी पिक बन जाते हैं डेविड पेन। तो दोस्तों ये बनेगा हमारा 10-1 कॉम्बिनेशन वेन स्ट्राइकर्स इज बॉलिंग फर्स्ट, जहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम जॉश इंग्लिस के साथ ही जाएंगे, बैटिंग सेक्शन में जेक वेदरल्ड, ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो मैट शॉट, एश्टन अगार, एरन हार्डी और हम यहाँ पे साथ साथ दार्सी शॉट को भी लेकर जाएंगे। अगर मैं बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो डेविड पेन को लेकर जाएंगे, उसके अलावा हो गए बेरेंडॉफ, एंड्रयू टाय, लैंस मॉरिस और हेनरी थॉर्नटन। अब अगर स्कॉटर्स पहले बॉलिंग करें तो क्या बनेगी हमारी टीम, तो यहाँ पे हम विकेट कीपिंग सेक्शन सेम लेंगे, बैटिंग में हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एक पर्थ स्कॉटर्स के ओपनर स्टीफन एस्कनाजी को लेकर जाना चाहेंगे। लास्ट गेम में 7 नॉट आउट बनाकर आ रहे हैं सिक्सर्स के अगेंस्ट, इस सीजन में इतना बड़ा परफॉर्मेंस इन्होंने अभी तक नहीं दिया है बट उससे पहले अच्छी फॉर्म में आए थे, तो ऐसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस क्रूशियल मैच में काफ़ी बड़ा मैच होगा वहाँ पे ये स्टेप अप करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन सेम रखेंगे, बॉलिंग में हम यहाँ पे लेके जाना चाहेंगे एडलेड स्ट्राइकर्स के लेग स्पिनर कैमरन बॉयस को, बॉलिंग सेकंड करते हुए इनकी ज़्यादा पोटेंशियल दिखेगी यहाँ पे, पिछले 4 गेम्स में एटलीस्ट एक एक विकेट तो ये लेकर ही आ रहे हैं एंड अगेन इनके नॉकआउट स्टार्ट्स की बात करूँ तो 3 बारी खेले हैं नॉकआउट जिसमें 5 विकेट्स इन्होंने निकाली है। इस सीजन में काफ़ी इकोनॉमिकल भी रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं एंड इन द प्रोसेस विकेट्स निकाल सकते हैं, इनफैक्ट इनको नेम भी किया है इन द टीम ऑफ द टूर्नामेंट। अगर आप पर्थ स्कॉचेस के बैटर्स का स्ट्रगल देखोगे तो लेग ब्रेक बॉलिंग, तो यहाँ आप देख सकते हो स्टीफन एस्कनाजी ने स्ट्रगल किया है, 12 इनिंग्स में से 5 बारी आउट हुए हैं एंड एरन हार्डी भी 15 इनिंग्स में से 6 बारी आउट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी 10-1 फॉर्मेट की टीम जब स्कॉचेस पहले बॉलिंग कर रही है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉश इंग्लिस, बैटिंग सेक्शन में जेक वेदरल और स्टीफन एस्कनाजी, ऑलराउंडर सेक्शन में हम लेके जाएंगे एरन हार्डी को, एश्टन अगार को और मैट शॉट को, बॉलिंग सेक्शन में हो गए बेरेंडॉफ, टाय, लैंस मॉरिस, हेनरी थॉर्नटन और कैमरन बॉयस। अब बात करते हैं सेफ कैप्टनसी पिक्स की दोस्तों, तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया रहेंगे मैट शॉट, एरन हार्डी और इसके साथ साथ आप जॉश इंग्लिस के साथ भी जा सकते हो। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करूँ तो यहाँ पे हम लेंगे हेनरी थॉर्नटन को एडलेड स्ट्राइकर से एंड लैंस मॉरिस को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। इसके अलावा जो हमारे सीजन पैक्स चल रहे हैं, एसए 20 का सीजन पैक भी चल रहा है, लास्ट के गेम में ब्रिलियंट स्वीप किया एसए 20 में हमारे कैप्टन देविल जैक्स जो एक ब्रिलियंट सेंचुरी बनाकर आ रहे हैं एंड एल्गो की टीम के पॉइंट्स बने 928। तो एसए का जो सीजन पैक है वो केवल 249 रुपीज में है, तो आप ले लो व्यू स्पोर्ट की ऐप पर जाकर, अभी भी काफी सारे मैचेस बचे हैं एसए में एंड आपको डेफिनेटली ज्यादा सस्ता पड़ेगा अगर आप पैक ले लेते हो। जितने भी मैचेस हैं उन सबका फैंटेसी 11 आप देख सकते हो और अगर व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड नहीं करिए तो कर लेना, इस गेम का फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन और एसे 20 का पैक भी आपको वहीं पे मिलेगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।